नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनकम, वेलकम टू माय चैनल शादाब शबरी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मजे में होंगे। तो आज जो वीडियो है वो तबला ट्यूनिंग पर है कि तबला ट्यून किस हिसाब से कैसे किया जा सकता है। तो तबला ट्यून करने के लिए कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बातें क्या है, आइए उस बारे में आज हम चर्चा करते हैं और सीखते हैं। आइए, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको सुर कहां मिलाना है तबले का। आप जिनके साथ बजा रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं या सिंगर हैं, जो कोई भी है, उनका जो स्केल है उस हिसाब से आपको तबला मैच करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर देखा जाए अभी मेरा जो तबला है वो बिखरा हुआ है और मुझे तबले को सफेद तीन में मिलाना है, तो मैं कैसे मिलाऊंगा? मैं अभी मेरे आसपास कोई म्यूजिशियन तो यहां नहीं है, तो मुझे सुर चाहिए, तो मैं सुर के लिए क्या करूंगा? सबसे बेस्ट है एंड्रॉइड फोन में तानपुरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसमें जो सुर चाहिए वो सुर लगवा लो और उस सुर को मैच करके तबला मिलाओ। अब मैच करके तबला मिलाने का जो अभ्यास है वो आपको घर में प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, या आप अपने जो भी गुरुओं से सीख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करके आप कहें कि भाई हमें थोड़ा सा तबला मिलाने का भी जो है तहजीब तमीज और तबला मिलाने का जो मिजाज है और जो तरीका है वो प्लीज हमें सिखाइए। तो मुझे अगर अभी सफेद तीन में मिलाना है तो मैं कैसे मिलाऊंगा? पहले मैं देखूंगा कहां है तबला। अभी मैं चेक करूंगा ये सफेद तीन पे है कि नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो मैं क्या करूंगा इसको? अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे तबला उतारना है या चढ़ाना है? तो पहले मैं ये देखूंगा कि तबला कहां पर है, बिखरा हुआ है। सा हमें जाना है, सा ये सफेद तीन है, एग्जैक्ट नोट जहां हमें जाना है, ये नीचे है, एक सुर नीचे है सफेद तीन, ये काली दो और सफेद तीन के बीच में है। तो मुझे कैसे पता चला कि काली दो और सफेद तीन के बीच में है? क्योंकि ना तो ये काली दो है और ना तो ये सफेद तीन है, ये बीच में कहीं है, बिखरा हुआ सा है, अनट्यून्ड है, तो इसको मुझे सफेद तीन में मिलाना है। अब ये जो मैंने अंदाजा जो लगाया है, ये अंदाजा अभ्यास करने से आता है। अगर आप करेंगे तो आपको भी आएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिस थिंग टेक्स टाइम। आपको थोड़ा पेशेंटली बैठ के घर में इसका अभ्यास करना पड़ेगा, तानपुरा लगा के उसको, मैं मुझे तबले को कहां मिलाना है पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे तबला उतारना है या चढ़ाना है, ये भी पता होना जरूरी है। बहुत से तबला प्लेयर्स जो बिगनर्स हैं उनको ये नहीं पता कि तबला कैसे मिलाना है, कितना उतारना है, कितना चढ़ाना है। तो वो परफेक्शन आपको अभ्यास करने से आएगा, और थोड़ी बहुत जो नॉलेज है जाहिर सी बात है आप अपने गुरुओं से अगर शेयर करेंगे आपकी फीलिंग्स तो आपको वो जरूर बताएंगे, आई होप सो। तो आइए अब हम चलते हैं सफेद तीन की तरफ। ये उतरा हुआ है तो मैं इसको हल्का सा चढ़ाऊंगा। ये जो आप गट्टे देख रहे हैं तबले के, इन गट्टों पे धीरे धीरे उतना ही मैं हिट करूंगा जितनी मुझे जरूरत है। अगर मैं ज्यादा हिट करूंगा तो तबला सफेद तीन से शायद ज्यादा थोड़ा चढ़ जाए, और अगर आपका तबला सिर्फ सफेद तीन तक का ही है बना हुआ तो अगर उसके ऊपर आप बनाने ट्यून करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो स्किन है तबले की उसके फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इतना जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी तबला बनवा रहे हैं जिससे भी जो सुर का, वो सुर को मेंटेन कीजिए, उससे ऊपर ना जाए। Thank you.
तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये सफेद थीम पे अभी मिल चुका है। तो इसी तरीके से आप जब भी रियाज करें घर पर, तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश कीजिए कि आप ट्यूनिंग भी सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आप तानपुरा की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप एंड्रॉइड फोन पे उसके सुर से अपने तबले को मिला सकते हैं, या घर में कोई ऑलरेडी आपके कोई गायन शैली में है या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कोई है तो आप उनसे ही हेल्प मांग सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं और वो थोड़ी आपको एडवाइस और गाइडेंस दे सकते हैं। और उसके अलावा आप जिनसे सीखते हैं, जिनसे तालीम लेते हैं, जिन गुरुओं के पास आप जाते हैं सीखते हैं, आप उनसे हेल्प कीजिए, उनसे खुले दिल से शेयर कीजिए कि भाई हमें गुरु जी तबला मिलाने की भी विधि जो है वो थोड़ी बहुत हमें बताएं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इजाजत लूंगा और उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का जो ये वीडियो है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो एज यूजुअल लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि वो भी सीखें, समझें और आगे बढ़ाएं इसी चीज को, खुद भी आगे बढ़े दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। और ये दुआ करता हूं कि मालिक ईश्वर अल्लाह आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।